तो नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों? दोस्तों आज जो हमारे सामने टॉपिक है, वो टॉपिक लेके आया हूँ मैं रजिस्टर, जो कि मैंने पहले भी इसकी वीडियो बना के डाली हुई है चैनल पर, आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जो आज कह रहे थे कि सर कानून कोड के ऊपर कुछ वीडियो हो जाए, हालांकि हज़ारों वीडियो हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा सरल से सरल भाषा में वीडियो को आपको समझा पाऊँ। ठीक है, बहुत जल्दी हम करेंगे, इसीलिए मैंने ये कुछ ना कुछ लिख लिया है यहाँ पे, आप देखेंगे। ये कोई भी रजिस्टेंस हो, जैसे इसका ये लाइनिंग वाले रजिस्टर है ना, जो लाइन वाले रजिस्टर है, अगर उन पर जो कलर कोड है, उनका कलर लाइनिंग है, उनको अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उनके पीछे जो वैल्यू लिखी हुई है वो कैसे हम पहचानेंगे, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है और आपको बिल्कुल सरल और क्विकली आप पता लगा सकते हैं कि वीडियो को कैसे कैसे उसको हम सही कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देखिए, ये एक फार्मूला है, ठीक है, आपको ये थोड़ा सा याद रख लेना है, थोड़ा दिल लगेगा लेकिन आपको याद कर लेना है। बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एज ए वेरी गुड बाय, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बनेगा ब्लैक ब्राउन रॉय, मतलब रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट गुड ग्रे और वाइट, यानी सफ़ेद कलर। अब यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख के रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जीरो से लेके नाइन तक और लास्ट में गोल्ड सिल्वर और नन, ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग कोई एग्जांपल के द्वारा मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैसे आप उसमें निकालेंगे, और एग्जांपल में इंग्लिश से लूँगा, ठीक है, और क्योंकि तो मैं मैंशन कर रखा है कुछ जो हमारे पास है दिमाग में। देखिए, मान लें कि कुछ इसमें क्या है, ये कलर हो गए, ये फार्मूला हो गया। आपको मैं बस सिंपल वे में समझाने वाला हूँ, आपको कोई ज़्यादा काम धाम करने की जरूरत नहीं है, आप देखिए यहाँ पे समझिए, ठीक है। देखिए, ये रेजिस्टेंस है और इस पर एक दो तीन चार या पांच लाइन करी हुई है, ठीक है, इनको बोलते हैं हम सॉलिड रेजिस्टेंस, या इनको फिक्स भी बोल सकते हो, ये नॉन असेंबली रेजिस्टेंस है, ठीक है, इस तरीके से दो तीन तरीके से आप बोल सकते हो। अब हमने कुछ जैसे कि रेजिस्टेंस की काउंटिंग है, हम मानते हैं ये लास्ट में हमेशा आपका गोल्ड होगा, ये ध्यान रखना, गोल्ड या सिल्वर में से एक लास्ट में होगा, ये लास्ट में आपको काउंट करना है। बहुत सारे बच्चे एक दूसरे से शुरुआत कहाँ से करें, इधर से शुरू करें या इधर से शुरू करें, आपको शुरू इधर से करना है, इधर गोल्ड नहीं है या सिल्वर नहीं है, ध्यान रखना। मान लो गोल्ड और सिल्वर इधर है तो शुरू इधर से करना है, तो आप ध्यान रख लेना ये चीज़। अब इस पर जैसे लिखा हुआ है ब्राउन, इस पर है लाल, रेड, इसमें कलर है आपका पीला येलो, और इस पे जो कलर है वो है ऑरेंज। मान लो ये कलर का आपका कोई रेजिस्टेंस है जो आपकी पीसीबी में लगा हुआ, अब आप तुरंत ये जानना चाहते हो कि ये कितने वैल्यू पर लगा है, आपको टॉलरेंस के ऊपर नहीं जाना है, ज़्यादा टेक्निकल भाषा में आपको नहीं घुसना है, चूँकि टॉलरेंस है, फिर आप देखोगे कि उस पर कितना बट लगा हुआ है, जैसे 10 का 2 0, तो इस तरीके से आपको ज़्यादा नहीं घुसना है। आप बस ये देख लीजिए ब्राउन का कितना आ रहा है, सिंपल देख लो, लाल पर 2, पीले पर 4 और ऑरेंज पर 3। आप ये आपके सामने निकल के आके अब इसी को यहाँ पर लिख लो 1 2 4 5, ये आ गया आपके सामने, ठीक है। अब देखो, आपको कुछ नहीं करना, लेकिन लास्ट का डिजिट देखना है, ये लास्ट, ठीक है, इसी लास्ट डिजिट का आपको जीरो में बदल गया, बदल गया, यहाँ से 1000 से वो बदल, ये बचा 124 किलो, और 5% अगर आप सिल्वर मांगे तो 5% का टॉलरेंस होगा, कम जा रहा है। तो देखिए, अगर आप ऐसे भी ना ऐसे अगर आप काटना चाहो जैसे काट लो, ऐसे नहीं काटोगे तो ये 3 0 में
किलोमी ही 3-0 आएंगी, ये डिसाइड कर लो। तो ये 124 किलोमी का फिर भी बचेगा आपका, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल और देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। चार का लूंगा यहाँ पर, चार का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से एक रेजिस्टेंस है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। पहला है आपका ग्राम, दूसरा है आपका ये ग्रीन, तो ये है आपका ऑरेंज, और ये आपका गोल्ड। अब देखो ग्राम का एक, ग्रीन का आपका है 5 और ऑरेंज का है 3, ये कितना आया 153, और इसके 153। और यहाँ पे जो टॉलरेंस रहेगा वो रहेगा 5% का, ये रहेगा 5%। अब 153 में कितनी वैल्यू है इसकी, ये हमें पता कैसे चलेगा? जैसे मैंने आपसे कहा था कुछ मत देखो, कोई ज़्यादा गलत मत सीखो, कोई कुछ नहीं, आपको लास्ट की जो डिजिट है उसको 0 में चेंज कर दो, ये 0। तो ये कितना बचा हमारे यहाँ का, 15,000। 15,000 आया, 3 इसको हट जाएंगे, किलो में जब के लगेगा तो 3-0 यहाँ पे इधर आ गई, ये के है, तो ठीक है। के में अपने अंदर 3 और 0 समय लिया आपने, ठीक है। बहुत आसान है, सिंपल है, कि जितना ये आपको पता होना चाहिए, नंबर 1, फिर आपको ये लिस्ट बना लो, नंबर 2, तीसरा जो भी रेजिस्टेंस है उसके कलर लिख लो, कलर लिखने के बाद उसके नीचे संख्या लिख लो, ठीक है। लास्ट में उनका देख लो, लास्ट में क्या बचे थे, 3 है, 4 है, 2 है, 5 है, उतनी ही 0 लगा के उसको कैलकुलेट कर लो बराबर, कि आप कैसे उसको जस्टिफाई करोगे कि कितने का है। फटाफट हो जाएगा तुरंत, आपको कोई किसी चक्कर में नहीं फंसना है कैलकुलेशन में है भी, ठीक है। एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जो इसमें से आपको देख के बता दूँ इसमें से एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए उसका लिखा हुआ है, यहाँ पर बताए थे इसको, उसका लिखा है ब्राउन, येलो, ग्रीन और गोल्ड, ये लिखा हुआ है। ब्राउन का 1, येलो का 4 और ग्रीन का 5 और गोल्ड का 5%। अब ये आ गए 145, 5-0 रख देंगे सर, कितनी 0 लगेगी यहाँ पे, लास्ट टाइम 5। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 1,000 रुपये कट गया, अब ये 1,400 और बचा है, ठीक है। तो मैं आपको एक इसमें सिंपल कैलकुलेशन बताऊंगा वर्ड बाई वर्ड, इसके बाद भी बताऊंगा अभी भी, कि सिंपल सा जब आपके पीछे 5-0 आ जाए, इतनी 5, तो वो वैल्यू आपकी मेगा होने चाहिए, यहाँ पे ये 40 मेगा आएगा। जिसके पीछे 5-0 चलेगी वो मेगा में चला जाएगा इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना इस तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा पहलू बता देता हूँ, अगर ये समझ में आ गया, पहले ये फिर लिस्ट बना लिए, फिर आपको ये रेजिस्टेंस लिखने, उसके नीचे नंबर लिखने, और लास्ट की 0 जितना भी लास्ट का वैल्यू तो 0 लगा के कैलकुलेट करना है, तुरंत रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। लास्ट में आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, कि जिन जो रजिस्टर हमारे असेंबली होते हैं, जो बिना कलर के होते हैं, ठीक है, जो बिना कोई कलर नहीं होता, इस टाइप के होते हैं, इस टाइप के, ठीक है, उनका भी 0 से लेके 5% इसमें टॉलरेंस रहेगा, ये चलेगा इसमें, ठीक है। तो अभी असेंबली में क्या होगा कि एक सॉलिड टेबल में आपको बता रहा हूँ, वो आपको ध्यान में रख लेना, जैसे किसी रजिस्टर में लिखा है 100, तो ये पहले से 0 हट जाएगी, मैं सिंपल उनको देसी भाषा में बता रहा हूँ, ये 0 हट जाएगी। फिर मान लो लिखा है 100, 101, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, फिर लिखा है मान लीजिए 102, ये 0 से लेकर 9 तक बताएगा उनको,
तो ये 1 kg की हो जाएगी, ठीक है। कितने का हो जाएगा ये? 1 kilo का। अब 103 तो 3 0 लगेंगे तो हो जाएगा 10 kg का। 104 फिर 100 kilo का, फिर 4 0 लगेंगे 105, फिर 1 mega। देखो जैसे मैंने कहा था ना, 5 0 जिसके पीछे लगेंगे वो 1 mega उनका हो जाएगा। 5 0 जिसके पीछे लगेंगे वो 1 mega उनका हो जाएगा, ठीक है। तो अभी 106 10 mega ओम का हो जाएगा, 107 का अगर 100 mega ओम का हो जाएगा, 108 है तो 1 giga ओम में चला जाएगा, और 109 10 giga ओम में चला जाएगा। अब यहाँ पे अब ये जगह देख लो, अब यहाँ पे मैंने तो किसी ने लिख दिया 470, तो ये 0 हट जाएगी 47 ओम। अब ये किसी कंपनी ने लिख दिया कि यहाँ पे 2002, तो अब आप देखोगे 2 लिखा है 00 फिर 20 लगेंगे। अब ये तो 0 सिंपल सी बात है, किलो से बदलेंगे तो ये किलो हट जाएंगे तो बचेंगे 20 kilo ओम। अब यहीं पे अगर हम ये देखेंगे 305 305 लिखा है, तो ये सीधे सीधे 3 mega ओम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत सिंपल है, लेकिन लास्ट की एक क्लियर करूँगी, लास्ट ये वाली इसको 0 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के बाद प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है, प्रॉपर क्या है गणना जो है उसकी वो करनी है बस। या ये टेबल याद रख लो, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक का पूरा बता दिया है, ये एक की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। इतना आपने अगर कर लिया तो आप कोई भी रेजिस्टेंस हो, SMD या नॉन SMD, इन दोनों की वैल्यू निकाल लोगे। और ये मैंने बड़ा सिंपल करके समझाने की कोशिश की आपको कि आपको यहाँ से यहाँ तक क्या क्या लिखा है, लास्ट वाले डिजिट और फिर कैलकुलेशन, उसमें भी मैंने आपको वही बताया कि लास्ट वाले डिजिट और कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, आपको टेंशन लेनी नहीं है कि भाई कैसे कलर निकालेंगे, कैसे कोडिंग करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको जो मैंने जैसे बताया था फार्मूला, उसके बाद टेबल और नंबर लिख लो कलरों के, और लिख के जो लास्ट में 2 है 3 है 4 है उसकी जगह 0 लगाओ, कैलकुलेट करो, हो गया काम, ठीक है। और आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत इसमें हैवी कैलकुलेशन की नहीं पड़ने वाली है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसके लिए वीडियो में अगर आप कुछ भी ज्ञान की नॉलेज वीडियो हो, समझ में आया हो, कमेंट जरूर करें। और अगर आपको लैपटॉप या मोबाइल या स्मार्ट टीवी पर पोस्ट करना है तो ज़रूर हमारे हाईटेक में जो नीचे स्क्रीन का नंबर है कॉन्टैक्ट करिए, बेस्ट ट्रेनिंग आपको यहाँ पर मिलेगी। और हाँ, फैमिली और खाना पूरे हिंदुस्तान का कहीं भी कोई बच्चा हो